मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलकर सुरक्षा, विकास व सबके सम्मान के जिस अभियान को भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, उसको रुकने थमने नहीं देना है। वर्तमान व भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए समग्र विकास की यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। सीएम योगी शनिवार सुबह मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के समक्ष आयोजित मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में शामिल पंजाबी समाज, सिख, खत्री आदि के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सीएम ने उनके उत्साह से खुद को जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस बात की गौरवानुभूति होती है कि यहाँ के लोग उनके हर चुनाव में स्वतः स्फूर्त पूरे उमंग से जुड़े रहे हैं। पूर्व के चुनावों में सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद होता था, पर बदले हालात में मुझे पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जाना पड़ेगा। आप इसे जानते हैं और इसी कारण गोरखपुर में पहले ही आप सब ने पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। पंजाबी समाज का यह उत्साह खुद ही सब कुछ बयान कर दे रहा है। सीएम ने सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की सीख दी। कहा कि मताधिकार आपका संविधान प्रदत्त अधिकार है। भोजन करने में विलंब हो सकता है, लेकिन मताधिकार के प्रयोग में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अधिकाधिक मतदान करते हुए भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। सिख समाज के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर के गुरुद्वारे में उनका आना जाना दशकों से बना हुआ है। लखनऊ में रहने के दौरान भी और किसी न किसी गुरुद्वारे में ज़रूर जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज की गुरु परंपरा के गौरव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस समाज ने विपरीत परिस्थितियों में देश को बचाया है। सीएम योगी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और 4 साहिबजादों की याद में लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। साथ ही बताया कि सिख समाज की परंपराओं को सम्मान देने की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, उसका परिणाम है कि 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस को पूरे देश में बाल दिवस घोषित किया गया है। देश व धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं का बलिदान प्रेरणा स्रोत बना रहे, इसके लिए कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बाहर क्या धारणा थी, इसे आप सभी जानते हैं। यहाँ के लोग हे दृष्टि से देखे जाते थे, युवा हतोत्साहित होता था। भाजपा की सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक लंबी एक्सरसाइज के बाद प्रदेश के नकारात्मक छवि को 5 सालों में बदल दिया है। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अब पहचान का संकट नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, उनके राज में दंगा, पलायन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी। भाजपा सरकार ने न केवल कोरोना को नियंत्रित किया बल्कि पलायन को भी रोका। पूर्व की सरकारों में पलायन कर चुके व्यापारी वापस आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं तो माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हर गरीब को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। मतदाता सम्मेलन में पंजाबी समाज के लोगों को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे का भ्रमण भी किया और यहां की व्यवस्थाओं को देखकर बेहद खुश हुए। गुरुद्वारा समिति की ओर से मंच पर उनका अभिनंदन, माल्यार्पण, अंगवस्त्र व तलवार भेंट कर किया गया। सीएम योगी के मोहद्दीपुर गुरुद्वारा एवं इसके समक्ष आयोजित मतदाता सम्मेलन में पहुंचने पर जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल तथा जय श्री राम के गगनभेदी नारे गूंज उठे। पंजाबी समाज के लोग लगातार इन नारों को दोहराते रहे। मतदाता सम्मेलन में गोरखपुर के सांसद रवि किशन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह, गुरुद्वारा समितियों से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी, सरदार जसपाल सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, सरदार बलवीर सिंह, सतपाल कोहली, जयपाल, रविंद्रपाल सिंह, गोपाल मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपक कक्कर, राधाकृष्ण मंदिर पैडलेगंज समिति के अध्यक्ष अर्जुन कोहली, खत्री समाज के संरक्षक डॉक्टर संजीव गुलाटी, हेमंत चोपड़ा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मतदाता सम्मेलन का संयोजन व संचालन उत्तर राज्य पंजाबी अकादमी के सदस्य सरदार जरनैल सिंह नीटू ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
परमजीत सिंह, जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह, प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय महेंद्रा ने कहा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 योगी जी जिंदाबाद। मैं समय को देखते हुए, क्योंकि महाराज जी के पास समय नहीं है, एक सांसद जी को श्री कुर्सी की जैसे में शांति का समय है, और दो महत्व वाली बात सुन लें, जो हमें विदेश प्राप्त हुआ है कि महाराज जी का पितल से पंजाबी सभा का राज्य, उनके कुछ चिंता जय करें गुरुदेव। ऐसे में मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, और आप तो दुनिया को जिताते हैं। तुरंत महाराज जी को माइक देता हूँ, मैं जाना है फिर वही शिमला बनाने, इसलिए हम शिमला यूट्यूब पे वीडियो पे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे। आइए महाराज जी, आप सीधे आपको दूंगा। अकाल, अरे उधर चलिए भैया, अरे उधर। आज के सर जनसंवाद कार्यक्रम में ठीक है, यहीं से कर लीजिए, आप लोग तो सबसे आगे हैं भाई। हो गया सरदार जसपाल सिंह जी, यहाँ पुलिस कर्मी लगे नहीं, महामंत्री गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार मनमोहन सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा पैरलेगंज सरदार कुलदीप सिंह गिल्लू जी, अध्यक्ष गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर से दीपक कक्कर जी, अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैंडलेगंज से अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, बलवीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, यहाँ से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोरखपुर, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा, और उसी कार्यक्रम के साथ में जुड़ा हूँ, बताने में योगदान देते थे। ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं, मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूँ, और इसके लिए एक बार स्वयं भी मोहद्दीपुर पंजाबी समाज और यहाँ पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद, मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहाँ पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था
गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की भीड़ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो लोग, जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है कि हम सब के लिए एक अवसर है। और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था, मुझे समय जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। बोलो सोना। और जो मांग वर्षों से दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के लिए घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई, आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया और महापुरुषों के शहादत व बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ये उत्साह यहां पर दिखाया है और इस उत्साह के साथ आज आप लोग यहां पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अभी से एक ही तैयारी कि हमें मताधिकार करना है। नगरीय क्षेत्रों में अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई लापरवाही न हो, सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मोदीपुर में, यहाँ पर हमारा पवित्र गुरुद्वारा है, यहाँ पर पवित्र गोपाल मंदिर भी है, पंजाबी समाज और यहाँ के पूरे सर समाज से जुड़े हुए सभी जो भी बुद्ध जन हैं, नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं,
इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में गोरखपुर से आप सभी लग करके एक अच्छी जीत के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। आप सबको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैंने यहाँ पर जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बाकी जनसंपर्क कार्यक्रम हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पार्षद और सभी अन्य प्रबुद्धजन करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। महाराज जी आए हैं गुरुद्वारा पे, क्या कहा? हम लोग महाराज जी के साथ हैं, सिख संप्रदाय के साथ। उन्होंने जो कुछ किया है उसका हम कर्जा नहीं उतार सकते हैं। सिख संप्रदाय के लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत स्नेह दिया। जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ आज तक गुरुद्वारों में किसी भी सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गुरुद्वारों पर विशेष ध्यान दिया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी आए, उन्होंने पूछा गुरुद्वारे में क्या जरूरत है, तो हम सब लोगों ने उनको बताई। उन्होंने दोनों गुरुद्वारों को पैसा दिया, सिर्फ गोरखपुर में नहीं, प्रांत के विभिन्न स्थानों में पैसा दिया है और यहाँ पर गोरखपुर बलिदान दिवस घोषित किया। हम उनके बहुत ऋणी हैं, उनका कर्जा नहीं उतार सकते। देखिए, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, गुरुद्वारा पैडलीगंज साहब, यहाँ की पंजाबी सभा, खत्री सभा, सबके निमंत्रण पर संयुक्त रूप से आज एक यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिभाग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में जो पंजाबी समाज के लिए कृत्य किए हैं, हम लोग कृतज्ञ, हम लोग का शब्द नहीं है। और विशेष तौर पे जो गोरखपुर के सिखों के साथ उनका स्नेह है, चार साहेबजादों की जो वास्तविक मांग थी वो गोरखपुर के कहने पे महाराज जी ने संसद में उठाई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद साहेबजादा दिवस घोषित करके इसको पूर्ण किया है। तो हम सब उनके आभारी हैं और विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अन्य जगहों के दौरे करें, अन्य जिलों के दौरे करें, यहाँ की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर 300 प्लस की परिकल्पना को हम लोग पुनः सिद्ध करके दिखाएंगे। संजय महिंद्रा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय खत्री सभा, उत्तर प्रदेश। हम लोग गोपाल मंदिर में महाराज जी के आने पर उनको हम लोग ने जो है प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन पत्र उनको दिया है। हमारी 73 जिलों के अंदर जो है वो हमारी सभा है। 25 लाख से ऊपर हमारे मतदाता यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बनाकर पूरी सरकार उनके नेतृत्व में बनाने का कार्य करेंगे। आज दर्शन किए द्वारा में क्या लगा? नहीं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय, जिन्होंने आम जनता से ये मांग किया कि आप लोग मतदान को प्राथमिकता देकर भोजन बाद में करें और मतदान पहले करने की, जो उन्होंने जो आज एक दिया है उस पर हम लोग बिल्कुल खरा उतरने का काम करेंगे। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे।